हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है सर। वो बीपी तो फ्लक्चुएट होता रहता है। कितना? दो दिन पहले 170-100 था, फिर परसों 160-100 हुआ, कल 150-100 था। कोई बात नहीं, अगर फ्लक्चुएट हो रहा है ना तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसका जब वो बढ़ता है आपको पता नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कभी कभी ये नीचे आना चाहिए। अच्छा अच्छा एक्चुअली मैं मेरा समझ ये कहती है कि ये मेटाबॉलिक रेट को एडजस्ट करने का तरीका होता है। इसीलिए अगर कोई स्वस्थ आदमी भी होता है जो बहुत हेल्दी है, 16 साल का हो, 20 साल का हो, तो उसका भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। आपके शरीर को कितनी ताकत की जरूरत है उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। अच्छा अच्छा दूसरा सर एक एडवाइस और लेना थी आपसे। जी जी। क्या है, हमको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो है पिछले 10 साल से। तो हमने पीएसए टेस्ट करवाया था, उसका एक पीएसए प्रोटीन का टेस्ट मालूम है। हाँ, तो उसका करीब 10.6 आया नैनोग्राम, और वेट तो कम हो ही रहा है हमारा। 5 किलो पहले था, बताया था आपको 8-10 दिन पहले, कुछ थोड़ा सा और कम हुआ है 200-400 ग्राम। तो मैं सोच रहा हूँ कि बायोप्सी करा दी जाए क्या प्रोस्टेट का? देखिए, कैंसर जो होता है वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। हाँ जी हाँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आपके सेल्स को, टिश्यूज को जितना एनर्जी चाहिए काम करने के लिए वो एनर्जी नहीं मिल रहा जी। जितना ब्लड सप्लाई वहां होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा जी। तो अगर आप सर्जरी करके उसको निकाल लेते हैं, मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है कि कैंसर जो होता है वो फैलता नहीं है। नहीं तो उसका रेडिएशन एक और है ना, ट्रीटमेंट रेडिएशन से कुछ कंट्रोल हो जाए। सर पहले तो ये समझिए कि एक आप एक बात समझिए। हाँ। आपके पास एक खेत है जी, उस खेत को सिंचाई करने के लिए रोज के 1000 लीटर चाहिए जी। तो अब अगर 500 लीटर आएगा तो एक तरीका तो है कि 500 लीटर जहां पर जिस खेत, मतलब सभी जगह इवनली बांट दिया जाए, मतलब जो कमी हुई जी वो 500 लीटर मतलब जैसे एक पर्टिकुलर सॉयल है, जगह है, वहां पर मान लीजिए 10 ml पानी चाहिए होता था, तो उसको 5 कर दीजिए और सभी जगह पर उतने एरिया में 5-5 कर दीजिए। तो क्या होगा कि सिंचाई सभी जगह आधी हो गई तो कमजोरी हो गई। ओके। अब दूसरा तरीका यह है कि आप आधे खेत में तो पूरा पानी दो, आधे खेत में पूरा पानी नहीं दो। ओके ओके ठीक है। अब क्या होता है, हमारे शरीर में इस तरीके से समस्या होती है कि जब एनर्जी की कमी हुई तो कुछ जगह पर तो पूरी एनर्जी मिल गई, जिसको आप यूज करते हैं, मान लीजिए आप रेगुलर चलते हैं तो चलने से रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं उनको पूरा मिल गया जी, और कुछ को नहीं मिला जी। अब जो कैंसर होता है उसमें वो वाली जगह पर प्रॉब्लम होती है जहां पर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही जी। अब वो फैलता कैसे है जी? जब आपकी ब्लड सप्लाई कम हुई तो जो कारण है ब्लड सप्लाई कम होने का जी, उसको तो हम देखते नहीं जी। हम क्या करते हैं कि हमने उसको हटा के फेंक दिया। मान लीजिए आपका खेत जो था उसमें आधी सप्लाई थी तो आपने आधा खेत किसी को बेच दिया जी। तो अब जो आधा था आपका 500 लीटर आ रहा था तो उसका जो पानी की कमी का कारण है, मान लीजिए बरसात कम हो रही थी, मान लीजिए पीछे का जो पानी की सप्लाई है वो कम हो गई जी, तो उसका जो कारण है कम होने का जी, वो कारण अगर एग्जिस्ट करता है तो सप्लाई जो 1000 से 500 हुई थी तो वो 300 भी हो जाएगी जी। तो 300 होगी तो 200 मीटर का 200 के बराबर का जगह जो वो फिर नहीं तो फिर हम ये मतलब हमें क्या करना चाहिए, मतलब वेट करें क्या? सर मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कैंसर होता है वो फैलता नहीं है। नहीं फैलेगा, न भी फैले, लेकिन मतलब फिर भी एक टाइम लिमिट तो रहेगा ना, कब तक हम मतलब इंतजार करें कोई और दूसरे मतलब अल्टरनेट तरीका अपनाने के पहले तक? सर दुनिया का कोई भी अल्टरनेट तरीका नहीं है। दुनिया का अल्टरनेट तरीका एक ही है जो मुझे समझ में आज तक आया है, वो है वॉक एंड रेस्ट एंड हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। इसके वो तो मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम ब्लड सप्लाई ही तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना उसमें जी। देखिए मेन प्रॉब्लम है ब्लड सप्लाई कम होना जी। अगर आपने खेती कम कर ली और ब्लड सप्लाई को नहीं देखा, जो कि कीमोथेरेपी में आपको पता है, आप कीमोथेरेपी को गूगल करके देख लीजिए। अब इंटरनेट रेडिएशन ही सर, वही तो रेडिएशन में क्या हुआ कि जिस जगह पर आपका ब्लड सप्लाई उसको रेडिएशन करके उसको जला दिया उस हिस्से को, तो ब्लड सप्लाई तो बंद हो ही गई ना परमानेंटली जी।
जी ब्लड सप्लाई पहले भी नहीं दी और अभी भी बंद कर दिया आपने। हाँ तो मतलब वो एडवांस स्टेज में नहीं जाएगा मतलब। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि एडवांस स्टेज में कैसे जाता है, जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम होती जाती है तो वो आसपास के हिस्से भी इफेक्ट होने लगते हैं, उसका कारण वो कैंसर का जो ट्यूमर है वो नहीं होता है। देखिए आपको मान लीजिए आपके हाथ में कोई चोट लगी है तो उसमें पस भर गई जी, अब आप पस का वो इलाज नहीं करते तो क्या होता है, आसपास के हिस्से में फैलने लगता है वो जी, तो उसको कहते हैं फैलना जी। कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो फैल नहीं सकते हैं जी। तो अभी इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन किया था कि कैंसर के सेल क्यों नहीं फैलते। अब अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देखिए, एक पेशेंट थे उनको लीवर का प्रॉब्लम था, लीवर में एसाइटस पेट में पानी भरता है जी, वो लीवर का लास्ट स्टेज की कंडीशन होती है। ओके, उनको ये बताया, डेढ़ साल पहले की बात है, डेढ़ साल से भी ज्यादा हो गया, एक साल आठ महीने के करीब हो गए, तो उनको बताया, उन्होंने किया तो वो ठीक हो गए जी। अब वो क्या था कि उनके पुराने जमाने के लोग हैं तो उनकी सेहत वगैरह भी अच्छी थी, हाइट वाइट भी अच्छी थी, तो जब वो ठीक हुए तो तीन चार महीने में पूरे ठीक हो गए जी। कैंसर का ट्रीटमेंट कराकर पूरे ठीक नहीं होते, पर वो मतलब इस वाले ट्रीटमेंट में पूरे ठीक हो गए, उनकी जितनी एनर्जी थी वो आ गई, जैसे पहले खाते पीते थे वैसे खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने। कितना टाइम लगा उनको? एक महीना। एक महीने में उनका पेट का पानी गायब हो गया, पर उस समय उनका डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, फिर तीन महीने और लगे, उनका डाइजेशन भी ठीक हो गया, फिर जो पहले जैसे जैसे पहले थे वैसे हो गए। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि दो तीन महीने तो उन्होंने उसको उस तरीके से किया, मतलब जो बताया था उस तरीके से चलते रहे, उसके बाद में उन्होंने अपनी पुरानी रूटीन शुरू कर दी। अब पुरानी रूटीन उनकी क्या थी कि सुबह उठकर वो 7-8 किलोमीटर तेज तेज चलते थे जी, और उनकी उम्र थी 69 के करीब, तो अभी इस बात को डेढ़ हो गया तो 70-71 हो गई उनकी उम्र जी, तो 1 घंटा पूरे वो लगातार तेज तेज चलते थे जी। तो उनको उनका लड़के ने बताया कि जी ये उन्होंने फिर दोबारा से शुरू कर दिया, तो उनको दोबारा बताया जी, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई आप जब भी घूमने जाते हो तो आप थोड़ा सा चल के 5 मिनट चल के फिर बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो जी। तो उन्होंने बोला तो उसी की करना शुरू कर दिया, पर अभी का कंडीशन अभी फोन आया सुबह तो बोलते हैं कि जी वो आराम नहीं करते, वो 1 घंटा चलने के बीच में आधे घंटे के बाद थोड़ा सेल्फी वेल्फी लेते हैं, थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं जी, तो आराम तो नहीं हुआ वो भी पूरा जी। सो अभी उनको समस्या क्या हुई, उनको एसाइटस लीवर की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पहले वो पानी 6-7 लीटर पीते थे रोज का, अभी उन्होंने कम किया हुआ है तो 6-7 नहीं पीते पर 2-3 लीटर पीते हैं, पर ये जो प्रॉब्लम है वो उसका प्रॉब्लम यही होता है कि हमें थकान ज्यादा हो जाती है, हमारे पास जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। अब उनको हर्निया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, ग्रोथ होनी शुरू हो गई। हर्निया भी क्या होता है कि जब आपकी ब्लड वेसल्स कमजोर पड़ जाती है तो वो ब्लड वेसल्स एक दूसरे में फंस जाती है और वो आगे की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वहां पर ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाती है। अब उसका तरीका यही है कि आराम किया जाए और अपने हार्ट की जो एनर्जी है वो उसको बढ़ाया जाए ताकि वो ब्लड को अच्छे से पंप करे, ताकि वो कहीं पर रुके नहीं जी। तो अभी उनसे यही बात हो रही थी आधा एक घंटा पहले। तो बेसिकली हम जो भाग रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट होती है जी। आप एडवर्टाइजमेंट को ले लो, टूथपेस्ट, कितने दुनिया में टूथपेस्ट है, कोई नीम वाला, कोई नमक वाला, कोई बबुल वाला, कोई नीम वाला, मतलब दुनिया भर के वो दिए हुए हैं। इतने सारे कहते हैं कि रिसर्च होती है दांतों के बारे में, सबके बारे में रिसर्च होती है, इतनी रिसर्च के बाद में 100 तरीके के टूथपेस्ट हैं, पर जो आदमी टूथपेस्ट यूज करता है क्या उसके दांत 100 साल तक रहते हैं? नहीं रहते। तो ये हम क्यों मान लेते हैं और फिर इतने सारे टूथपेस्ट की क्या जरूरत है? अगर रिसर्च हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्या चीज दांतों के लिए ठीक है, और जो चीज ठीक है वो देना शुरू करे, बाकी सब बंद कर दे। होता क्या है, बेचने वाली कंपनी को रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी के दांतों से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। बिजनेस से मतलब है। हाँ जी, बिजनेस से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब। हाँ, उनको बिजनेस से मतलब है। तो वो क्या है कि पुराने जमाने के लोग दातुन नीम से करते थे, तो उन्होंने नीम कह के बेचना शुरू कर दिया कि चलो पुराने लोगों को भी फंसा लेते हैं जो नीम से करते हैं जी। कुछ हम ये वॉक एंड रेस्ट करते रहे अभी। सर वॉक एंड रेस्ट करो और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करो, इसके आगे का कोई भी, इससे दुनिया में अच्छी कोई भी चीज नहीं है। अभी आपको दूसरा भी पेशेंट का मालूम है आपको, एक जिनका लीवर का प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था, किडनी का प्रॉब्लम था, ये सारी चीजें 15 दिन में ठीक हो गई। तो क्योंकि तो हम कब तक ये करें तो थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा?
सर आप बताओ आपको पेशाब बेटर आना शुरू हुआ नहीं हुआ? पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि पानी भी थोड़ा लेते हैं। नहीं, पर जितना पहले रुक रुक के आता था उससे बेटर हुआ नहीं हुआ? आप पानी कम कर दिया उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से पेशाब तो ठीक ही आ रहा होगा। पेशाब तो आ रहा है। तो पहले से कम तो नहीं हुआ ना? जितनी समस्या पहले थी उससे ज्यादा तो नहीं हुई ना? नहीं, लेकिन वेट थोड़ा कम हमें लग रहा है। वेट हम लेते सर, वेट को छोड़ दीजिए, आप पेशाब की बात करिए ना, प्रोस्टेट पेशाब से रिलेटेड था, पेशाब में प्रॉब्लम हुई कोई? पेशाब में अभी भी मतलब वो प्रेशर तो लगाना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोस्टेट का अभी भी सर मैं मान रहा हूँ वो एक ग्रोथ है, वो एक चीज बढ़ी हुई है, उसको खत्म होते हुए वक्त लगेगा, परंतु नेगेटिव तो कुछ नहीं हुआ ना? नेगेटिव कुछ नहीं, जैसे ब्लड नहीं आ रहा है, कोई सीमेन में ब्लड नहीं है, वो तो सब देख लिया मैंने। तो उसके अलावा 5-10%, 20% तो इम्प्रूवमेंट लग रही होगी ना आपको? और इसके अलावा आप दुनिया का कितने मर्जी 10 लाख रुपए का आप ऑपरेशन करा लो, कुछ करा लो, आपको 20% कमी लगेगी ऑपरेशन कराने के बाद, फायदा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हाँ, वो तो बिल्कुल डल हो जाएंगे। और इसमें आपको 10% भी फायदा चल रहा है, तो जिस चीज से फायदा हो रहा है बस उसी चीज को देखते जाओ। याद हो ना कि नुकसान होना शुरू हो गया इससे? नुकसान देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मेरे पेशेंट्स को 80% 90% ठीक हो जाते हैं। अच्छा, 80-90% ठीक होने के बाद में भी फिर वो एलोपैथी में चले जाते हैं, फिर वो उसी इलाज में चले जाते हैं 10% के लिए, उसके बाद में फिर दोबारा से वापस आते हैं 100% होने के बाद। तो अभी मेडिसिन तो हम कुछ नहीं दे रहे इस समय, तो बिल्कुल मेडिसिन फ्री है सर? बिल्कुल मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ही फ्लक्चुएट करेगा। ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो एक दिन में नहीं बढ़ता। अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर आज बढ़ा था, 6 महीने पहले बढ़ा था, आप मेरे पास आते तो आपको 15-20 दिन में ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाता, महीने भर में नॉर्मल हो जाता। खैर, वो तो समय की बात है। अब जो वक्त ज्यादा हो जाता है वो पूरे शरीर को चेंज कर देता है। अब वो शरीर में जो इम्प्रूवमेंट होती है वो धीरे धीरे होती है बहुत। हाँ, सही है, क्योंकि वो पूरे बीपी तो 20 साल से था ना, 20 साल से टेबलेट ले रहे थे। जी जी, अब एक 20 साल का लड़का था, उसको डायबिटीज हुआ, उसके एक फैमिली में सबको डायबिटीज है, सबको किडनी प्रॉब्लम होती है। अब उसको चिंता थी कि जी मुझे भी हो गया, उसका 300 पहुंच गया ब्लड शुगर। अब उन्होंने ये शुरू किया, अब उनका 100 पर आता है, अब उनको कोई समस्या नहीं है, अब वो पूरा अच्छे से कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई सबकी समस्या यही है। इसी तरीके से अगर कोई पहले पहले मिल जाता है, बहुत से लोगों का और आता है, कोई 28 में, कोई 30 में, मान लीजिए किसी को डायबिटीज शुरू हुआ, वो एक आधे साल के अंदर ये शुरू कर देता है तो ठीक हो जाता है फटाफट। और जो आदमी देर से शुरू करता है उसको टाइम लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा, पर उसको नुकसान नहीं होता, पर नुकसान होना बंद हो जाता है इस सिस्टम के बाद में। तो अभी हमारा वेट मान लीजिए 1-2 किलो और कम हो जाए तो कोई मतलब चिंता की बात नहीं सर? बिल्कुल चिंता की बात नहीं। अब सिर्फ एक चीज का ध्यान देखो कि मान लो आप पहले 10 किलो वेट उठा पाते थे, तो आप 12 किलो उठा पाते हो या नहीं उठा पाते? कमजोरी नहीं आनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी होता है, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, चाहे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाए, जो मर्जी बढ़ जाए। कमजोरी तो अभी मतलब वैसे ही है जैसे पहले थे, बस इतना है कि पहले 1 घंटे वो करते थे बैक एंड रेस्ट, अब सुबह शाम 2 टाइम कर लेते हैं, और बीच में भी दोपहर में भी कर लेते हैं 12-2 बजे। हाँ, और नींद वगैरह भी अच्छी आएगी, और खाना खाना भी? नींद खाना तो ठीक खा रहे हैं, खाना में तो कभी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट भूखा थोड़ा चेंज हो जाता है, बस खाना तो खा रहे हैं। नींद टेस्ट कैसा हो जाता है? टेस्ट सुबह सुबह तो भूख लगती है उठते ही, तो फिर हमें वही ड्राई फ्रूट खाना पड़ते हैं, और तो कुछ व्यवस्था हो नहीं पाती, लेकिन पानी नहीं पीते, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, खाली थोड़ा कोल्ला कर लिया, एक सिप ले लिए। ड्राई फ्रूट मत लो, ड्राई फ्रूट में क्या लेते हैं आप? ड्राई फ्रूट में हम आलमंड्स है और डेट है, काजू है। सर मत लीजिए, अगर आपको ड्राई फ्रूट लेना ही है ना, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मत लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, बटर ले लीजिए, मलाई लगा के, दूध लगा के, या जैम के साथ ले लीजिए, बहुत से तरीके मिल जाएंगे आपको जो फटाफट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो होता है ये फिलिंग नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, पेट भरता नहीं है, और ये पेट के कोने में पड़े रहते हैं, जब तक पेट पर जोर नहीं पड़ता पेट में एसिड नहीं बनते, वो पचते नहीं है। अगर आपको ड्राई फ्रूट कभी कभार लेना हो, हफ्ते में 1-2 दिन लीजिए, पर खाने के साथ ही ले लो, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो कुछ, उसके साथ में 2-4 ये भी ले लो। ठीक है ठीक है, तो इसको बंद करिए। ठीक है, बंद कर देते हैं, कल से बंद कर देते हैं। तो फिर मुंह का टेस्ट जो बिगड़ रहा है ना, वो उस वजह से बिगड़ रहा है। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे खाना कोई भी मतलब धीरे धीरे करके ना, मुझे किसी खाने में स्वाद नहीं आता था जी। तो हम यही सोचते थे कि खाना बनाने में कमी हो रही है, कुछ जो भी खाना बना रहा है उसका ठीक नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पानी पीना शुरू किया खाने के साथ में, धीरे धीरे करके मुंह का स्वाद चेंज हो गया।
तो मैंने अपने ब्लॉग पर भी लिखा था। तो अब जिसको आप, जैसे मैंने आपको बताया इसका स्वाद अच्छा होता है, तो किसी ने मुझे फोन करके फिर बताया कि उन्होंने भी 10 दिन से शुरू किया हुआ है खाने के साथ पानी पीना, और जो चीजें पहले उनको स्वाद नहीं लगती थी वो भी अब स्वाद लग रही है। तो इससे खाने का स्वाद इंप्रूव होता है। आप जो ड्राई फ्रूट ले रहे हैं ना, उसकी वजह से आपका कोई इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आपका स्वाद खराब हो रहा है। आप ड्राई फ्रूट बंद कर दीजिए, 10 दिन बंद करके रखिए, बिल्कुल मत लीजिए ड्राई फ्रूट्स। फिर उसके बाद देखिए स्वाद इम्प्रूव होता है कि नहीं, खाना आपको स्वाद लगता है नहीं लगता। तो जो हमने आपसे बात की तब 60 kg था वेट, तो अब हम कब तक, मतलब 59 तक देखें? नहीं नहीं, आप वेट के बारे में चिंता मत करो। अगेन मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप ये देखो कि आपको किसी तरह से कमजोरी तो नहीं बढ़ रही। देखो बुढ़ापे का एक ही चीज होती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ताकत कम होती जाती है। शुरू में हमारी बढ़ती है 20 साल तक बढ़ती है मेनली, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। जी। अगर हम कमजोरी को बंद कर दें, अगर हम अपनी जो ताकत कम होती है उसको कंट्रोल कर ले, तो आप उसके बाद बूढ़े नहीं होंगे, आपका एज रिवर्सल होगा, आप उसके बाद बेटर फील होते जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक। बुढ़ापा ही एक बीमारी होती है और बुढ़ापे की एक ही निशानी होती है कमजोरी। तो आप वेट को मत देखो, कमजोरी को देखो, नंबर वन। नंबर टू, आपकी हाइट कितनी है? 5'3", 3" 158 cm। सर अगर आपकी हाइट 158 है ना, तो आप अपना वेट मेरे से एक्सचेंज कर लो। एकदम परफेक्ट है, आप 55 के भी हो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 55 से नीचे भी चले जाते हो, 50 पर भी चले जाते हो, तो भी आपकी हाइट के हिसाब से वेट एकदम ठीक है। अच्छा ठीक। ये जो सिस्टम है, ये जो भी आदमी जिसका वेट कम होता है वो करता है उसका वेट बढ़ जाता है, जिसका वेट ठीक होता है जिसका ज्यादा होता है उसका कम हो जाता है, ये एकदम परफेक्ट पर लेकर छोड़ती है। तो ऐसे प्रोस्टेट का कोई आपने केस डील किया है क्या इस टाइप का? सर गोइटर होता है ना गले में। जी। एक चेन्नई में है कोई सज्जन, तो उनका मैसेज आया था, तो उन्होंने 1-1.5 महीने से कर रहे हैं वो, तो उनका कहना है 20% कम हो गया, तो वो भी ग्रोथ है। दूसरा जिनको पाइल्स होती है उनका हेमरॉइड बाहर निकल आते ना, मस्से निकल जाते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं 1-2 महीने में, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसी तरीके से जो ग्रोथ वाला एस्पेक्ट है वो होता है, परंतु जो चीज देखो जैसे हम स्टूल पास करते हैं, तो जो उस एरिया में मसल्स की मूवमेंट होती है जी, उस मसल्स की मूवमेंट में जब हम करेक्शन करते हैं, जब हम ठीक करते हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं जी। अब जो प्रोस्टेट है वो इंटरनल पार्ट है और उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक ग्रोथ सी हो गई है। बल्कि जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो ग्रोथ के ऊपर और प्रेशर पड़ता है, वो और बड़ी होती है जी। तो उसका एक्सरसाइज करने का कोई तरीका नहीं है, उसको फ्लूइड कम करके हम धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। पर अगर उसको उससे कंपेयर करें कि गोइटर 1 महीने में इतना कम हो गया तो ये भी होना चाहिए, तो ये प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम उतनी तेजी से ठीक नहीं होती है जी। क्योंकि उसका मसल्स का मूवमेंट नहीं है, उसका एक्सरसाइज करने का कोई तरीका नहीं है जी। ठीक है जी। ठीक है सर। तो मतलब अभी वेट करते हैं फिर है? जी जी एकदम। ठीक है सर, बताएंगे फिर 2-4 दिन में। ठीक है ठीक है, थैंक यू।